हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील रावत और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील रावत 14 ब्लॉग्स में। और दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आया हूं कंडोलिया मैदान नहीं पार्क में। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं आप, आज हमारे पौड़ी की है एक ब्लॉगर जो जिनको मैं भाभी भी बोलता हूँ, तो उनके साथ वीडियो बनाने आया हूँ। उनसे बातचीत करूँगा और उनसे पूछूँगा कि ब्लॉग और कॉमेडी वीडियोस में मतलब उनके क्या कैसे कैसे बनाती है, क्या क्या करती हैं। तो आप बस मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिए और मिलते हैं सीधे डायरेक्ट भाभी जी से। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। और ये हैं ब्लॉगर हमारी पौड़ी की, ओमीज उत्तराखंडी ब्लॉग नाम से। तो कैसा लग रहा है भाभी जी? बहुत अच्छा लग रहा है। और भैया से मैं काफी टाइम बाद मिली, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और जिस प्रकार आप भैया का सपोर्ट करते हैं, मुझे भी करें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ओमीज उत्तराखंडी ब्लॉग। तो भाभी जी, कुछ बताइए अपने बारे में। तो बस भैया, मैं पहले आप सीनियर हैं फिर हम जूनियर हैं। तो जैसे कि मैंने भैया को बोला था, मुझे भैया के साथ एक वीडियो शूट करनी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भैया को बोल रही थी कि भैया प्लीज़ मेरे साथ वीडियो बनाना। तो भैया भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो मुझे भैया की यूट्यूब के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। तो भैया ने बहुत अच्छे से समझाया और नए यूट्यूबरों के लिए अच्छे अच्छे संदेश दिए। वो आप मेरे चैनल में जरूर देखें। और जैसे कि काफी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि ओमीज का मतलब क्या है, तो मेरा बेटा है ओमी, इसी के नाम बेटे हैं ओमीज, इन्हीं के नाम से ये चैनल बना है। हाँ, और बहुत ही सपोर्ट करता है अपनी मम्मी को कैमरा पकड़ने में और बहुत ही छोटी छोटी चीजें में, कॉमेडी वीडियो शूट में। तो आपने व्लॉगिंग कब से स्टार्ट करी? भैया मेरे चैनल को वैसे तो 2 साल हो गए। बीच में, जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि किसी कारणवश मैंने बीच में ब्लॉगिंग छोड़ दी थी। तो उसके बाद मैंने जब दोबारा से स्टार्ट की, तो मैंने कहा जैसे डेली ब्लॉगिंग तो हर कोई कर रहा है आजकल, मैंने उसमें एक गढ़वाली कॉमेडी वीडियो ऐड करी खाली इंस्टाग्राम के लिए अपनी। तो वो वीडियो काफी अच्छी चली, वायरल हुई, तो मेरा अच्छे चलने लग गया। उसके बाद मेरा चैनल ग्रो हुआ। उसके बाद मैंने 7 महीने में अपना चैनल मोनेटाइज करवाया कॉमेडी वीडियो के माध्यम से, और अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से, और सब कुछ अच्छा है। और आपका सपोर्ट चाहिए। अच्छा, तो जब आप ये मतलब वीडियोस बनाती थी, तो आपके फैमिली से कुछ मतलब कि ये क्या कर रही है, कुछ काम धाम नहीं है तेरे, ऐसे कुछ टाइप में? नहीं, मेरी फैमिली का पहले से ही बहुत सपोर्ट रहा है। हाँ। और किसी भी चीज की रोक टोक नहीं रही कभी भी। अच्छा, तो आपके दोस्त आपसे जलते वलते ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ मेरी अच्छी बनती है। और काफी मेरे दोस्त, मेरे गाँव के, मेरे फैमिली वाले खासकर बहुत ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपको जैसे पता ही है कि कॉमेडी वीडियो बहुत ही अच्छी बनाती है भाभी जी, तो कुछ कॉमेडी, थोड़ा कॉमेडी करके दिखाइए आप थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल, जब आ रखे तो जैसे कि दोस्तों, जो मेरा कॉमेडी ब्लॉग है, तो उसमें मैंने अपने एक मेरा विशेष किरदार है, उसमें मैंने उस किरदार में अपना नाम रखा है लीला कचहरी। हाँ, ये सही बोला आप, लीला कचहरी से बहुत फेमस हो। लीला कचहरी नाम आपने क्यों रखा? इसका भी एक रीजन है, जैसे कि हमारे पुराने गांव में क्या, अभी भी लोग गांव में घास वास काटने जाते हैं, तो लीला घसारी गाना आपने सुना होगा। हाँ, गजेंद्र राणा का फेमस गाना है लीला घसारी। तो मैंने कहा क्यों ना यही नाम रखा जाए और इसी से वीडियो बनाई जाए, हमारे उत्तराखंड के उससे संस्कृति से जुड़ा भी है। अभी आप लोग ये भी कमेंट करेंगे कि तू जैसे कि गढ़वाली है तो हिंदी में क्यों बोल रही है, तो ये इसलिए कि हिंदी के माध्यम से सब लोग, बाकी लोगों को भी ये जानकारी जाए, क्योंकि किसी किसी को गढ़वाली समझ भी नहीं आती हिंदी। मेरे से भी कई लोग जुड़े हैं जिनको नहीं आती, और भैया से भी काफी लोग जुड़े हैं, तो इसलिए तो एक गढ़वाली हो जाए। तो जैसे कि ये मेरा बेटा है, तो इसका नाम मैंने अंटी रखा है। देखो कितना प्यारा अंटी। तो देखो मेरी भैंसबू की रमयाणी लीला घसाणी, ये बाबा अंटी कब गई डालूं तेरे बंटी। वाह वाह वाह, भाभी बहुत अच्छी कॉमेडी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल में देखे। चिमनी? हाँ, नहीं, एक कॉमेडी वीडियो थी, उसमें मैंने इसका नाम पौआ और अपना नाम चिमनी रखा था, तो ऐसे किरदार में रखती रहती हूँ। अच्छा, सब गांव से रिलेटेड पौआ चिमनी, शुद्ध हमारी उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए नाम है, ताकि ये शब्द विलुप्त न हो और लोग इनके बारे में जाने। चिमनी का मतलब होता है जैसे तेल की वो बतली वाली जगह, उसका नाम है चिमनी, और पौआ तो आप लोग सब जानते हैं। तो दोस्तों, अब इनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इनकी इनकम कितनी आती है, क्योंकि जो नए व्लॉगर होते हैं तो वो व्लॉग बनाते हैं, कोई कोई उनकी वीडियो वायरल हो जाती है, तो लोग बोलते हैं पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया, तो लोगों को लगता है कि इन पे बहुत पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो आपसे पूछते हैं आपकी कितनी इनकम आई है अभी तक? अभी भैया मेरी इनकम नहीं आई है, मैं अपने मार्ग की ओर
अग्रसर हूँ, अग्रसर बढ़ते रहो। और अभी इनकम नहीं आई है, मेहनत है, अभी मेहनत जारी है, आ जाएगी। तो इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और एडिटिंग प्लस कंटेंट ढूंढने पड़ते हैं। और मेन होता है हमारा कंटेंट अच्छा होगा उतनी वीडियो अच्छी चलेगी, और एक होता है कैमरा क्वालिटी, ये भी मायने रखता है। तो काफी चीजों का बैलेंस बनाना पड़ता है। उसके बाद लोग हमें पहचानते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है। इतना आसान नहीं होता, लोग सोचते हैं कि 1000 व्यूज आ गए तो इनके पैसा, ऐसा नहीं होता है। मैं जैसे कि मैंने बताया 2 साल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो अभी तक मेरे पैसे नहीं आए हैं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएंगे। और जब से आपकी ब्लॉगिंग मतलब आपने स्टार्ट करी, तब से आप कितना स्वस्थ हो ये भी बता दीजिए। हाँ, मेन काम ये भैया आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो पहले होता है ना, एक महिला होती है जो उसको अपना परिवार भी देखना पड़ता है, है ना, अपना बच्चे का स्कूल है, पढ़ाई है, सब चीज देखना पड़ता है। तो काफी टाइम पे जैसे मेरे बच्चे के पेपर होते हैं तो मैं बंद कर देती हूँ, बनाना टाइम नहीं मिलता। लेकिन इस वजह से मैं काफी स्वस्थ हूँ, खुश रहती हूँ, अपनी सोशल मीडिया की दुनिया में व्यस्त रहती हूँ और मस्त रहती हूँ, क्योंकि किसी सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि अपने काम निपटाओ, फिर एडिटिंग करो, कंटेंट सोचो, एकदम स्वस्थ और मस्त तरीका। बस अपने मतलब नीयत अच्छी होनी चाहिए इंसान की, और अपना मतलब मेहनत करनी चाहिए, बाकी भगवान अपने आप रास्ता देता है। तो जैसे भाभी जी, आप गढ़वाली कॉमेडी वीडियो बनाते हो, तो काफी आप काफी चीज देखोगे कि इंस्टाग्राम में भी कमेंट्स लोग कभी कभी बहुत ही गंदे करते हैं, तो फिर कभी आपके घर वालों ने कुछ बोला या कुछ इस बात में कुछ बोला जाएंगे? हाँ, एक है कि जैसे कि मतलब मैं कॉमेडी वाली वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें जैसे मेरा पहनावा होता है, तो मैं गाती धोती पहनती हूँ उसमें, और अपना पूरा जो पारंपरिक होता है ठांटा वांटा बांध के, है ना, तो काफी लोग नेगेटिव भी करते हैं कमेंट। अब जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैं जैसे वीडियो अभी मैं हिंदी में शूट कर रही हूँ, वैसे ज्यादातर गढ़वाली बनाती हूँ, तो लोग यही करते हैं कि गढ़वाली क्यों बोल रही हो, खुद दूसरों को सिखा रही है, नेगेटिव कमेंट। 100 अगर 99 हमारे पॉजिटिव कमेंट रहता है, 1 नेगेटिव रहता है। होता है ना, अच्छाई के साथ बुराई हमेशा पनपती है, तो वो वही बुराई होती है। लेकिन मुझे उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना मेरे फैमिली वालों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड विशेषकर मैं बता रही हूँ, सपोर्ट करते हैं आपको, पूरे सपोर्ट करते हैं। मतलब आप एक हफ्ते में कितनी वीडियो डाल देते हो? हफ्ते में जिस प्रकार समय मिले, समय के अनुसार, अगर हफ्ते में 7 भी डाल देती हूँ, जब अच्छा, मन हो तो 1 भी डाल देती हूँ, ये है, डिपेंड करता है। जैसे मैं गांव जाती हूँ तो काफी कंटेंट मिल जाते हैं, काफी कंटेंट मिल जाते हैं गांव में, और पर यहाँ के मतलब बहुत ही थोड़ा करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है अंदर ही अंदर, फिर लोग देखते नहीं है। पहले मैंने अंदर ही अंदर की बनाई, तो काफी देखी लोगों ने, फिर हमें बदलाव होता है ना जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है, तो मैंने काफी बदलाव लाई। उसके बाद मैं जैसे बाहर भी गई, दिल्ली वगैरह गई, गांव गई, तो मैंने अच्छे से वीडियो शूट की वहाँ, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। मेरे फेसबुक पेज में ज्यादा अच्छा चलता है मेरा यूट्यूब, हाँ फेसबुक पेज भी मेरा यही है, ओमिस उत्तराखंडी ब्लॉग। फेसबुक पेज से आपकी आती है इनकम? दोस्तों, फेसबुक से कोई इनकम नहीं आती, उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं भाभी से इस बार थोड़ा आसान, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आती नहीं है, पर जब ना जब मतलब फेसबुक में ये होता है, जब तुम्हारे लाखों व्यूज जाएंगे तब $1 बनेगा, और उसमें बहुत मेहनत लगती है। इसलिए फेसबुक में ये होता है कि फेस वैल्यू हो जाती है तुम्हारी, तुम्हें बहुत लोग जानने लग जाते हैं। मेन इंस्टाग्राम में भी यही सीन है। ये हमारी फ्रेंड है, काफी टाइम बाद मिली है अपने बच्चों के साथ, 1 और 2। हेलो करो, हेलो कर दो, हेलो, ध्यान से देखिए इस लड़की को, मम्मी बन रखी है बच्ची, गैंडे में खेल रही है, गैंडे के ऊपर बैठ रखी है। ज्यादा मजा आ रहा था कि बतख में? दोनों में बड़ा मजा आ रहा है, पर है? इतना कंफर्टेबल नहीं है, जरा ठीक है बैठने का। दोस्तों पौड़ी के झूले टूटने का कारण यही है। देखो दोस्तों, पौड़ी बर्बाद करने का कारण, जब पौड़ी में रहते तब ठीक थे, पौड़ी जैसे इनकी शादी हो रही है ये भाग जा रहे हैं और ये बर्बाद कर रहे हैं हमारे झूले। इतना वेट नहीं है ना हमारा, हाँ वेट के हम इससे बैठे हुए हैं। अच्छा, तो क्यों बैठ रहे तुम यार इस छोटे में? आप 10 रुपए दे के आ रखे अभी, 10-10 रुपए की टिकट। अच्छा, 10-10 रुपए की टिकट है, इसकी वजह से ये वसूल कर रहे हैं पैसे, पूरे फुल वसूल कर रहे हैं, वसूल करने हैं। अभी मैं भी बैठूंगी, और वहाँ देखिए दोस्तों, वहाँ भी पूरे फुल पैसे वसूल हो रहे हैं छोटे बच्चों के, झूले में बैठ रखे हैं बतख में। अब हम इन छोटे छोटे ढेंचू में बैठ रहे हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चों के हैं, कहीं पता चल रहा है कुछ टाइम बाद, हाँ, ये ब्लॉगरों को आना ही बंद कर दे, वहाँ पर कहीं बोर्ड न लग जाए कि ब्लॉगरों की नो एंट्री नो एंट्री